तो हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, जो कि है रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन कैसे आया, उसका सेकंड पार्ट है ये हमारा। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत इजी भी है और साथ में इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली कि इंडस्ट्री जो थी, सोसाइटी में जो इंडस्ट्रीज होती है, उसने क्या, उसके कारण क्या चेंजेस आए सोशलिज्म में। सोशलिज्म क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। सोशलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उस टाइम का। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, वैसे मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी के करीबन करीबन। और आपको अगर याद होगा तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, तो यही बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रशिया पहुंचा। रशिया के अंदर ये करीबन 19th सेंचुरी में पहुंचा। और जब रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो सब लोग जो गांव में रहते थे वो गांव से शहर में आने लग गए। इन शॉर्ट, जो गांव के लोग थे वो एग्रीकल्चरल को, एक्टिविटीज़ को छोड़कर शहर में आने लग गए। और इसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है द इंक्रीज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग। ठीक है, एक्टिविटीज़ जो है प्रोड्यूसिंग करने की ज़्यादा बढ़ गई, इंस्टेड ऑफ एग्रेरियन एक्टिविटीज़, जैसे कि घास घास उगाना या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बंद करके इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लग गई। तो ये बेसिकली 19th सेंचुरी में हुआ। ठीक है, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लग गई तो कुछ अच्छा भी हुआ, जैसे एम्प्लॉयमेंट आने लग गई। लेकिन ये जब एम्प्लॉयमेंट आने लग गई तो उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर रूल्स नहीं थे कि वहाँ पर वर्कर्स कितना काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, और उनकी कोई जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं थी। इसी कारण से अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को नज़र आई। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसी टाइम पे जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, लिबरल्स और रेडिकल्स कौन थे, पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। लिबरल्स और रेडिकल्स सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, तो ऐसे लोगों ने सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे ये लोग सॉल्यूशन निकालने लग गए। किस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे थे, बेसिकली हाउसिंग और सैनिटेशन। जैसे अगर कोई शहर में कोई लोग आना चाहते हैं तो उनको घर चाहिए, सैनिटेशन प्रॉब्लम यानी साफ़ सफाई, तो ये सारी प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन लिबरल और रेडिकल निकाल रहे थे। लिबरल और रेडिकल क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि ये लोग समाज में सुधार लाना चाहते थे। और हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं, और वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट चीज़ में आपको एक फ़ोटो दिखेगी यहाँ पर। ये फ़ोटो है किस तरीके से गरीब लोग रहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे। ये पर्टिकुलरली रशिया की, ये लंदन की फ़ोटो है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बात बताई गई है कि सारी प्रॉपर्टीज, जब जो लोग वहाँ पर अमीर थे उन लोगों के पास इंडस्ट्री थी, जो लोग गरीब थे उनके पास इंडस्ट्री नहीं थी, ये कॉमन है। लेकिन उस टाइम पर हालात बहुत ख़राब थे और गरीब लोग गरीब होते जा रहे थे और अमीर लोग अमीर होते जा रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पहले से बहुत सारे, जैसे चर्च के जो लोग थे उनको प्रिविलेजेस मिली हुई थी। प्रिविलेजेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनको स्पेशल राइट्स को कहते हैं प्रिविलेजेस। तो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, इसलिए जो पुरानी प्रथा चली आ रही थी उसके कारण कोई भी कितनी भी मेहनत कर ले कुछ नहीं हो सकता था। वो गरीब का गरीब ही रहता था और जो लोग पहले से अमीर हैं पहले से अमीर रहते थे। अब इसके अलावा हम और पढ़ने वाले ये है कि किस तरीके से जो लिबरल्स और रेडिकल्स, हम पहले पढ़ चुके हैं लिबरल्स और रेडिकल्स सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो इस बात का भी उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा। और उन्होंने सोचा कि ऐसी
जो प्रिविलेजेस हैं इनको ख़त्म करना चाहिए, और सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी फॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर लोग, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो मिलजुल कर काम करें, और अगर एक पुअर है उसके पास पैसे नहीं है तो वो लेबर दे सकता है, ठीक है, लेबर यानी काम काज कर सकता है, और जो इसके पास कैपिटल है यानी इसके पास पैसा है वो पैसा लगा सकता है, और ऐसा करके सोसाइटी डेवलप होगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो, जैसे कि किस तरीके से लिबरल्स और रेडिकल्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इफ़ द पुअर यहाँ से कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप, ये उनका सोचना था, ठीक है, और ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि बहुत सारे लोग इन लोगों की बात सुनने लग गए थे। अब ये सिर्फ इस और सिर्फ रशिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरी दुनिया की बात हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी दुनिया में आया था, इसलिए बहुत सारे लोग थे जो जैसे लिबरल्स और रेडिकल्स पूरी दुनिया में थे। और आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद आपको ने लास्ट, बिल्कुल लास्ट टॉपिक था हमारा बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे, जो 1804 के अंदर राजगद्दी इसने संभाली थी, पूरे यूरोप को उसने संभाला था, फाइनली 1815 के अंदर वो हार गया। तो अब कोई नहीं चाहता था, बहुत सारे लोग ऐसे चाहते थे कि अब वापस ऐसा ना हो कि कोई ऐसा डिक्टेटर आ जाए और वापस अपनी गद्दी संभाल ले, इसलिए बहुत सारे लिबरल्स, रेडिकल्स, नेशनलिस्ट लोग मिलकर रिवॉल्यूशन करने लग गए कि अब हमें आरिस्टोक्रेसी नहीं चाहिए, यानी राजा का पूर्ण अधिकार नहीं चाहिए। अब ऐसा करते करते धीरे धीरे हर जगह के फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, अलग अलग कंट्री में रिवॉल्यूशनरीज बनने गए जो सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। अब ऐसे में यहाँ पर एक और बात हुई है, एक और देश की बात हुई है, इसके बाद इटली, इटली आपको पता है, और यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है इंसान का, इसका नाम आप याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, इसका नाम है जियोसेप्पी माजिनी, जियोसेप्पी माजिनी, और ये जो जियोसेप्पी माजिनी है ये एक इटालियन नेशनलिस्ट था। सर नेशनलिस्ट क्या होता है मैं आपको समझा दूँ, नेशनलिस्ट ऐसे लोग हैं जो इक्वल राइट्स मांगते हैं लोगों के लिए, ठीक है, और ये डेमोक्रेट्स भी होते हैं, ओके, और इंडिया में भी बहुत सारे नेशनलिस्ट लोग हो चुके हैं आपको पता होगा, तो ये सबके लिए इक्वल अधिकार मांगते हैं। तो ये 1850 के अंदर जो जोसेप्पी माजिनी है जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट था, उसने इटली में जो राजा था उसका रूल ख़त्म कर दिया और वहाँ पर समाज में सबको इक्वल राइट दिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब अगर आप इसके आगे का टॉपिक देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, कमिंग ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या है, कैसा स्ट्रक्चर था सोशलिज्म का, क्यों सोशलिज्म आया यूरोप में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, तो ये सोशलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।